अटैक, खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक ऐप। बिहार के मुंगेर से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को स्थानीय लोगों ने बेरहमी से पीट दिया और फिर उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। जानकारी मिलते ही तारापुर पुलिस हरकत में आई और घायल युवक को भीड़ से छुड़वाकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया है। ये घटना 7 जनवरी की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक को कोई लात घूंसे से तो कोई डंडे से मार रहा था। युवक रो रो कर बोल रहा था कि बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। बावजूद इसके उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो बेहोश हो गया। ये देख मौके से किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ से युवक को बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित युवक की पहचान गाजीपुर गांव के इब्राहिमपुर मोहल्ले के इनाम उर्फ मिंटू के तौर पर हुई है। मिंटू ने होश में आने के बाद गांव के 2 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया। उसका आरोप है कि शनिवार को मोहम्मद बासित और मोहम्मद सज्जाद गंदी गंदी गाली देते हुए पिस्तौल लेकर उसके घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। विरोध किया तो घर से घसीटते हुए बाहर इमामबाड़ा के पास ले आए और वहां पर भी बेरहमी से मारते पीटते रहे। इमामबाड़ा पर उसके सहयोगी हसन, सज्जाद, सद्दाम, सलमान सभी पीटते हुए लकड़ी के गोदाम के पास लेकर गए और बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोहे के रॉड से मारने के कारण उसके दोनों हाथ पैर लहूलुहान हो गए। पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि मोहम्मद इनामुल नाम के युवक के साथ चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा तारापुर थाना में आवेदन दिया गया है। मामले में जांच के बाद आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वीडियो फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वायरल हुआ है, शायद चोरी कार्य में युवक की पिटाई की गई है, वीडियो भी वायरल हो गया, क्या इस मामले में कार्रवाई की गई है? मोहम्मद इनामुल नाम के लड़के के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया है, चोरी का आरोप लगा करके। इस संदर्भ में मोहम्मद इनामुल द्वारा तारापुर थाना में आवेदन दिया गया है, जिस पर कांड संख्या 5/2021 दर्ज की गई है। संबंधित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, सभी लोग दंडित किए जाएंगे। मोहम्मद इनामुल ने चोरी की थी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई की वो कहीं से भी सही नहीं है। इस तरह का मानवीय व्यवहार किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।